हरे कृष्णा। भक्तिविनोद ठाकुर जो कि एक महान वैष्णव आचार्य थे, वो उनके एक सुंदर ऐसे भजन में कहते हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति तुवा अधिकार। हे कृष्ण, मैं आपका नित्य दास हूँ, आपको यदि मारना है तो आप मुझे मार सकते हैं, मेरा रक्षण करना है तो कर सकते हैं। तो ये भक्त की एक भावना है कि जो भी भगवान करेंगे मेरा अच्छा ही करेंगे, तो वो ज़्यादा चिंता नहीं करते कि मेरा क्या होगा कैसे होगा, पूरे भगवान के प्रति शरणागत होने से उनमें ये भाव पैदा होता है। तो ऐसे ही एक भक्त की हम आज चर्चा करेंगे जिनका नाम था बंधु मोहंती। तो ये बंधु मोहंती जगन्नाथपुरी के पास में गांव था जाजपुर नाम का, उसमें रहते थे। बहुत ही गरीब परिवार से थे वो, उनके कुछ पुत्र थे, पुत्रियाँ थी, पत्नी थी, जो भी कुछ मिलता था माधुकरी मांग के उसमें वो घर चलाते थे। पर एक समय ऐसा हुआ कि उस गांव में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो खाने पीने के लाले पड़ गए। कुछ भी नहीं था उनके पास खाने के लिए, जिनसे भी मांगने जाते थे तो वो भगा देते थे। तो बंधु मोहंती की एक आदत थी, वो हमेशा अपने पत्नी से कहते थे कि मेरा एक मित्र है, बहुत बड़ा मित्र, इतना पैसा है उसके पास, बहुत बड़ा मित्र और उसने सबको मदद की है, तो मुझे भी करेंगे वो। तो उनकी पत्नी पीछे लग गई कि आपको याद है आप कहाँ करते थे कि आपका एक मित्र है, बड़ा दयालु है, दयावान है, पैसा देगा आपको, भोजन देगा, तो यही समय है, उसके पास जाइए, लेट्स गो टुगेदर, और कुछ लाते हैं, देखिए मैं तो सह सकती हूँ ये भूख, पर अपने बच्चों का क्या, तो उन बच्चों के खातिर हम एक बार आपके मित्र के पास जाके आते हैं जो कि पुरी में रहता है। तो बंधु मोहंती सोचने लग गया कि अरे कैसे जाए मित्र के पास, क्योंकि पत्नी को थोड़ी पता है कि मेरा मित्र तो जगन्नाथ है। पत्नी तो सोच रही थी कोई ऐसे ही ऐरा गहरा दोस्त होगा, पर फिर भी उसने सोचा कि कह रहे तो जाके आते हैं। तो करीबन 150 किलोमीटर की दूरी उन सब ने 4-5 दिन में पूरी कर दी और पूरी पहुंच गए, जगन्नाथपुरी में पहुंच गए। रात को देर हो गई थी, तो उनकी पत्नी कहने लग गई, अभी इतनी रात हो गई है, आपके दोस्त के घर पे ही जाते हैं, कुछ खा लेते हैं, बहुत दिन से खाया नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, मेरा मित्र ना बहुत बड़ा आदमी है, तो उसके घर में ऐसे जाएंगे तो उनके नौकर चाकर हमें भगा देंगे, थोड़ा रुकते हैं, विश्रांति करते हैं, कल सुबह जाते हैं। पर भूख का क्या, पत्नी पूछने लग गई, हमारे बेटे हैं, बेटों ने कुछ खाया नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो कुछ करता हूँ मैं। तो उस समय वो भी सोचने लग गए कि अभी क्या करें, पर उन्होंने देखा कि वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर से एक पेज नाला आ रहा था। ये पेज नाला यानी एक पाइप था जिससे राइस उबालते तो हम कुछ पानी निकाल देते हैं, तो जगन्नाथ जी को जब भोग लगता है तो पानी सब निकाल देते हैं, ऊपर का चावल का पानी, और उस नाली में वो डाल देते हैं। तो उस नाली से जो पानी आ रहा था वो बंधु मोहंती ने पी लिया और वही अपने बेटों को दिया और अपनी पत्नी को दिया, और ऐसे ही कुछ बिना खाए ऐसे ही सो गए और प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान आप तो आप सबकी सहायता करते, तो मेरी भी करनी चाहिए, आप, मैं तो आपका दोस्त हूँ, मुझे तो आपके सिवा कोई नहीं है, मैं तो निराश्रित हूँ, तो कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरे बच्चों का दर्द सहा नहीं जाता। और अभी तो मंदिर बंद हो गया था, जगन्नाथ भी सोचने लग गया अरे अभी कैसे करूँ मैं, क्योंकि मैं तो मेरे भक्तों को दुखी नहीं दे सकता। तो जगन्नाथ जी ने तुरंत ही एक पांडा का वेश धारण कर लिया, तुरंत ही जहाँ पे उनके कुछ बर्तन थे रखे हुए थे वो लाए, उन्होंने एक सोने की बड़ी थाली लाई, परत लाई, और उसमें अलग अलग प्रकार के भोग रचे, और वो दक्षिण द्वार पे आए, जोर जोर से चिल्लाने लग गए, बंधु मोहंती आ जाओ आ जाओ, मैंने आपके लिए कुछ लाया है। बंधु मोहंती सोचने लग गया अरे बापरे, मेरे को तो कोई पहचानता नहीं यहाँ पे, कहाँ से आवाज आ रहे। तो फिर से जगन्नाथ जी ने आवाज लगाई और बोले कि बंधु मोहंती, जाजपुर के बंधु मोहंती जल्दी आ जाओ। तो उसने सोचा रहे हाँ मुझे ही कोई बुला रहे, तो भागते भागते देखा तो एक कोई पंडा खड़ा था, ब्राह्मण खड़ा था, तो उसने प्रसाद का भोग लिया और जल्दी से अपने बेटों के पास आ गया, पत्नी के पास आ गया, और उन्हें उठाया कि देखो देखो मेरे मित्र ने कुछ भेजा आपके लिए। तो अभी तक तो बंधु मोहंती को पता नहीं चला था कि ये पांडा कौन है। तो उस पांडा ने बताया कि अभी इतना ही खा लो, कल सुबह मैं आपके लिए कुछ व्यवस्था करूँगा।
तो आप चिंता मत करना। पंडु महंत बहुत खुश हो गया, तो उनकी पत्नी भी खुश हो गई, अरे बाप रे आपके तो जो दोस्त है बड़े ही दयालु हैं। तो सब खाया और वैसे ही वो सो गए। पंडु महंत ने वो जो थाली थी अपने पास ही रखी। तो दूसरे दिन जैसे हुआ मंगल आरती और अलग अलग भोग लगाने की व्यवस्था सब चालू हो गई, मैनेजमेंट सब चालू हो गया, तब उनको याद आया, देखा कि वो जो प्लेट थी, जो थाली थी सोने की, वो मिसिंग है, वो वहाँ पे नहीं थी। तो सब लोग छानबीन करने लगे किसके पास है किसके पास है। पुलिस को बुलाया गया, द्वारपालों को बुलाया गया, पर किसको कुछ भी पता नहीं था। तो किसी ने बताया तीर्थयात्रियों ने कि हमने गरीब के पास, जो भिखारी था उसके पास एक थाली देखी, वो था पंडु महंती को। पंडु महंती को बुलाया गया, पंडु महंती ने बताया कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की, एक ब्राह्मण लड़के ने दिया था। तो कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। राजा ने आदेश दिया, गजपति ने आदेश दिया कि पंडु महंती को अभी के अभी तुरंग में, जेल में डाला जाए, कारावास में डाला जाए। तो पंडु महंती रिक्वेस्ट कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि राजा मैं कुछ नहीं किया हूँ, ये सब आपके पांडा ने मुझे दिया है। बोले नहीं, आपको जेल में जाना पड़ेगा क्योंकि आपने चोरी की है। तो पंडु महंती का स्वभाव ही ऐसा था, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, जगन्नाथ जो भी आपकी इच्छा है करिए। और वो प्रार्थना करने लग गए जगन्नाथ जी से। जगन्नाथ जी उसी रात को गजपति के सपने में आए और गजपति को बताया कि यदि कोई आपके घर आता है, कोई गेस्ट आता है, कोई अतिथि आता है, तो अतिथि का सम्मान कैसे करते हैं आप, क्या उस अतिथि को आप जेल में डालते हैं? राजा ने सपने में उत्तर दिया, नहीं। तो आपने मेरे अतिथि को जेल में कैसे डाला? उसे अभी के अभी बाहर निकालिए, उसके चरण धोइए, उसको प्रसाद खिलाइए और उसकी व्यवस्था मेरे मंदिर के बाजू में ही कर दी जाए। तो राजा हड़बड़ा के उठ गया और इमीडिएटली वो भागते भागते उस जेल में गया, पंडु महंती को लाया, उसका सत्कार किया, उसके पैर धोए, उसको प्रसाद खिलाया, उसे ऊंचे आभूषण दिए, वस्त्र दिए और भगवान जगन्नाथ जी के सेवा में उसको लगाया। तो आज भी पंडु महंती के जो जनरेशन्स में हैं वो आज भी भगवान जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। तो ये है भक्तों का भाव, और इस भाव के प्रति ही भगवान समर्पित है, और वो भगवान भी इसी भाव के प्रति रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान अपने भक्तों के साथ करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।